हम लोगों ने एक सबसे पहली चीज की थी कि अगर कहीं पे भी फेजर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस फेजर क्वांटिटी का मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास लिखी हुई है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के फॉर्म, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी लिखी हुई, तो ऐसी किसी क्वांटिटी को हम लोग कैसे डील करेंगे? तो मैंने तुमको बताया था ए यहां पे एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव फेज होता है, तो फ्रीक्वेंसी और इससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। अगर ये साइन प्लस हो तो लीडिंग बोलते हैं, अगर ये साइन माइनस हो तो लैगिंग बोलते हैं, लैगिंग बोलते हैं। ये याद आ रहा है सबको? याद तक हम लोगों ने कर लिया था। किसान प्रांजल बोल दिया सबको अच्छे से? यस सर, यस। ओके, फिर मैंने तुम लोगों को इसका ग्राफ भी बताया, इस टाइप का ग्राफ जहां पे ये होता है एम्पलीट्यूड और ये होता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। ये भी हम लोगों ने कर लिया था। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक, अभी तक मैंने तुम लोगों को एसी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया, अब मैं तुम लोगों को एसी प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी तक मैं तो तुमको जनरल चीजें बता रहा, बट उसको स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या तुम लोगों ने दो फेजर को ऐड करना सीखा है क्लास 11th में फिजिक्स में? दो फेजर को ऐड करना सीखा है? फॉर एग्जांपल तुमको अगर 3 sin omega t plus 4 cos omega t करना हो तो कर लो इस टाइप से क्वेश्चन। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं वो भी बता दूं, फिर आगे बढ़ू तो किस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी बेटा पता है। हां सर, एक बार रिकैप करा दीजिए। हेडिंग डालो कॉपी में एडिशन ऑफ फेजर्स, हेडिंग डालो कॉपी में एडिशन ऑफ फेजर्स। Addition of phases. Phaser addition. कोई भी phaser एक sinusoidal quantity हो, तो मान लो मेरे पास एक phaser है, पहली phaser ये a1 sin omega t, इसको मैंने मान लिया y1, ये पहली, और दूसरी मेरे पास है y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 1, दो मैंने मान ली y1 y2। तो पहली लाइन लिखना, इफ देयर आर टू फेजर्स y1 एंड y2, इफ देयर आर टू फेजर्स y1 एंड y2, given as y1 लिखो a1 sin omega t, y2 लिखो a2 sin omega t plus 5, y1 y2 में omega हम लोगों ने सेम माना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम मानी, टाइम तो क्या दोनों में सेम हो गए होगा, एक फेज डिफरेंस माना है phi, एम्पलीट्यूड डिफरेंट मानने। अब हमें इनको ऐड करना,
हमें इनको ऐड करना है, कुछ नहीं पता फेजर भैया नाम भी नहीं पता। अब इनको ऐड करने के लिए मैं एक एग्जांपल साइड बाय साइड लेके चला हूं, इधर बोर्ड के इस साइड, बोर्ड का ये वाला साइड विजिबल है बेटा प्रांजल? यस सर विजिबल है। ये विजिबल है? हाँ सर ये वाला साइड यस विजिबल है। पहला मैंने एक लिया थ्री साइन ओमेगा टी, दूसरा मैंने फेजर लिया फोर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री फाइव बाई टी, थ्री साइन ओमेगा टी फोर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू 90। हम लोगों ने साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बट अभी मैंने साइन के टर्म्स में लिखा कंपेयर करने के लिए। बोलो A1 की वैल्यू कितनी है? 3 3 A2 की वैल्यू? 4 A2 ओमेगा टी दोनों में सेम है। 5 की वैल्यू बोलो? 5/2 ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। अभी मुझे कुछ फेजर वेज नहीं पता, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स तो आती है, ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, तो मैं इनको जोड़ूंगा, लिखूंगा 3 sin ओमेगा टी को थीटा मान लिया, 3 sin थीटा प्लस 4 sin 90 प्लस थीटा को लिख लिया cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा नहीं है ना? नो सर। ठीक, अब मैं काम करने जा रहा हूं, अंडर रूट 3² प्लस 4² अंडर रूट 3² प्लस 4² से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, अंडर रूट 3² प्लस 4² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3² 9, 4² 16, 9 प्लस 16 25, अंडर रूट 25 5। तो बेसिकली मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 5 है। यहां तक कोई दिक्कत अंजनी? नहीं सर। ठीक, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो कोई मतलब ही नहीं, तो यहां पे आ रहा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बस एक स्टेप यहां पे इसी के साथ कर लूं, ये जो अंडर रूट 3² प्लस 4² था यानी कि 5, उसको अंदर ले जाओ, 3/5 sin थीटा 4/5 cos थीटा। अब ये बताओ, अगर मेरे पास एक राइट ट्राइंगल होता 3, 4 उसकी साइड्स होती, 3 और 4 उसकी साइड्स होती, ये रहा 4, ये रहा, इसको बेस बनाना चाहता हूं मैं, तो मैं इसको 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं, 3, 4, 5 का एक राइट ट्रायंगल बना, बन सकता है 3² प्लस 4² इक्वल टू 5² पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस पे मैं अपने मन से एक एंगल मान लेता हूं अल्फा। अब मुझे बताओ, जब मैं इसका साइन अल्फा लिखता और पेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो 4/5 आता, यस सर, और अगर मैं इसका कॉस अल्फा लिखता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 3/5 आता, यस सर, अगर मैं इसका कॉस अल्फा लिखता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कितना आता बोलो? 3/5 ठीक। अब देखो यहां पे क्या लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा फाइव 3/5 sin थीटा, 3/5 को मैंने लिखा cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया sin थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा ऐसे रहने दो 4/5। बोलो मुन्ना क्या लिखे 4/5? sin अल्फा sin अल्फा sin अल्फा। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा होगा, sin alpha plus sin theta sin theta cos alpha plus cos theta sin alpha sin a cos b plus sin a plus b sin a plus b, इसका फॉर्मूला है sin a plus b। तो अच्छा इतना नोट कर लो, तो मैं जगह बना के यहीं पे साइड में लिखना चाहता हूँ, इतना राइट साइड वाला नोट कर लो, तुम्हारे पास तो कॉपी है, रब नहीं करना मुझे, रब कर। ठीक है प्रांजल नोट कर लो बेटा इतना।
हो गया सर, हो गया, हटा दूं, रफ कर दूं राइट साइड वाला से? सर एक मिनट, एक मिनट, हाँ रुको, तो लास्ट में मेरा बचा क्या है? मैं दोनों को जोड़ रहा था, वाई वन प्लस वाई टू, मैं जोड़ रहा था थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा। मैंने बोला फाइव कॉमन ले लो, थ्री बाई फाइव बना लो, फोर बाई फाइव बना लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनता है साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस अल्फा। अब यहां पे देखो फाइव साइन थीटा प्लस अल्फा, थीटा हमने किसको माना? ओमेगा टी को। थीटा हमने ओमेगा टी को, ये बन गया फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और ये अल्फा क्या है? अल्फा अभी मैंने ट्रायंगल बनाया, बोलो ये ट्रायंगल तो बनाया था? यस यस सर। तो अल्फा क्या था यहाँ? अल्फा क्या था? साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव। टेन अल्फा थ्री बाई फोर, तो अल्फा था टेन इनवर्स थ्री बाई फोर, एक एंगल है। ऊपर वाला एंगल होगा अल्फा, क्या सामने वाली साइड हमने फोर मानी थी क्या? यस यस सर, हां सर, यस सर। कोई बात नहीं, चेंज कर दो, फोर कर दो, थ्री कर दो, इसको टेन इनवर्स फोर बाय थ्री, कोई बात नहीं, जो माना था पिछली बार वही अल्फा टेन इनवर्स फोर बाय थ्री। अब मुझे बताओ क्या हमने थ्री साइन थीटा फोर कॉस थीटा को जोड़ा, थ्री साइन ओमेगा टी और फोर कॉस ओमेगा टी को जोड़ा, ये देखो, और जोड़ने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आ रहा है, क्या एम्पलीट्यूड जो कि थ्री फोर होते थे अब वो एम्पलीट्यूड जुड़ के सेवन हो रहा है कि फाइव हो रहा है? फाइव हो रहा है, फाइव हो रहा है, फाइव। अच्छा ओमेगा टी पे कुछ फर्क पड़ा क्या? ओमेगा टी है यहाँ पे, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी। ओमेगा जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज है या फ्रीक्वेंसी वही वही है? वही है, तो वही है, वही वही। लेकिन तुम देखो ये ओमेगा टी था, इसको तुम समझ लो कि ओमेगा टी पे जीरो, ये कॉस ओमेगा टी था, तो अगर साइन के टर्म से बोलो तो इसको बोलो कि ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री के पास, 90 डिग्री लिखा होगा, इसकी फेज जीरो थी, इसकी फेज 90। फेज में तुमको बता चुका हूं लास्ट क्लास में, मैं तुमको ये तो अच्छे से बता दिया था कि अगर कॉस है तो उसको कैसे तुम साइन से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे रखोगे, ये तो मैंने तुमको याद करवा दिया था लास्ट क्लास। अब ये बताओ कि यहां पे फेज जीरो है, 90 है, कि अल्फा का फेज अल्फा का फेज डिफरेंस है? अब तुमको क्या करना है, अब जी जब मैं बता दूंगा एग्जांपल तो मैं तुरंत बता रहा हूं, किया क्या गया है, किया ये गया है कि थ्री साइन ओमेगा टी और फोर कॉस ओमेगा टी को जोड़ो, दो फेजर को जोड़ो, तो रिजल्टेंट में भी फेजर मिलता है, रिजल्टेंट में भी फेजर मिलता है। और वो कैसे मिल रहा है, तो अगर इमेजिन करो कि सी का एक वेक्टर होता, सी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर होता एक्स एक्सिस के अलावा, और जो फोर मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर होता वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे होता। एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे कौन कौन सी एक्सिस आती है? वाई वाई ये वाई मान लेते, चलो फॉर दैट मैटर वाई मान लेते 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फोर है, 90 डिग्री पे फोर है,
ये 3 ये 4 90 डिग्री पे 90 डिग्री क्यों होगी ये देखो ओमेगा टी प्लस अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना होता क्लास 11th में तुमने पढ़ा है तो बच्चों वाला क्वेश्चन यस सर क्या इन दोनों वेक्टर को जोड़ते तो ऐसे जोड़ते इनिशियल टू फाइनल ये देखो इनिशियल टू फाइनल यस यस ऐसे जोड़ते तो अब जब इस वेक्टर को जोड़ते तो 5 को 90 डिग्री पे तो क्या उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट 5 आता यस सर यस यस 5 आता और वो c की तरफ आता ये वाला वेक्टर 4 की तरफ की किसी एंगल अल्फा पे आता अल्फा पे आता है तो हम ये बोलेंगे जो 5 वाला वेक्टर है वो 3 वाले यानी x एक्सिस से यानी कि ओमेगा टी से अल्फा के फेज डिफरेंस पे और जहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी तुम्हारे सामने लिखी है 10 अल्फा परपेंडिकुलर बाई 4/3 तो अल्फा कितना 10 इनवर्स 4/3 कुछ समझ में आया अब मैं तुमसे हल्के से धीरे से सिर्फ इतना बोल दूं कि बेटा यहां तो चलो सिंपल था 90 डिग्री हर बार अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ 30 120 कुछ और एंगल आता तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लंबी पड़ती बट उस ट्रिग्नोमेट्री को बाईपास करने की एक शॉर्टकट है जब भी तुम्हारे पास साइनोसॉइडल यानी कि फेजर क्वांटिटीज हो तो उनको ऐड करने के लिए हमारा शॉर्टकट ये है कि तुम उनको साइनोसॉइडल क्वांटिटी मानो ही ना उनको वेक्टर मान लो और वेक्टर की तरह जोड़ लो और वेक्टर की तरह कैसे जोड़ो तो जो उनके एम्पलीट्यूड है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बन जाएंगे और जो उनका फेज डिफरेंस है वो वेक्टर के बीच का एंगल बन जाएगा और अगर मुझे 2 फेजर 3 फेजर 4 फेजर जोड़ने हैं तो उनको 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर 10 वेक्टर जितने बता दो मैं उतने जोड़ दूंगा लॉ ऑफ पॉलीगन होता है बहुत सारे वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था पैलोग्राम लॉ पढ़ा था तो बिल्कुल वैसे ही वेक्टर को जोड़ते चले जाओ और याद है हमने 2 वेक्टर कैसे जोड़े थे देखो इधर ये A1 साइन ओमेगा टी ये A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 एक वेक्टर बनाओ A1 मैग्नीट्यूड का पहला वेक्टर किस मैग्नीट्यूड का A1 दूसरा वेक्टर A2 मैग्नीट्यूड का बनाना लेकिन इसको हमने ओमेगा टी को रेफरेंस मान लिया एक्सिस तो जो दूसरा वेक्टर बताओ उसी रेफरेंस लाइन पे दिखाएं 90 डिग्री पे दिखाएं पिछली बार की तरह जैसे 304 में किया था पाई डिग्री पे दिखाएं हमेशा याद रखो वेक्टर में ये अंदर वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल लेते हैं पाई एक्सटर्नल एंगल पाई लिखा दिया अब मुझे इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो मुन्ना कैसे जोड़ोगे बताओ कैसे जोड़ोगे A1 A2 पाई पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो भैया कुछ याद आ रहा क्लास 11 में क्या पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस तुमने यही तो याद किया था अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस 5 इनके बीच में 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती तो ये टर्म चला गया तो बचा 3² + 4² 9 + 16 √25 √25 5 बन गया आप बोलो बेटा कुछ समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं फिगर कैसे जोड़ते हैं फेजर इस चैप्टर में बहुत मिलेंगे आगे बताऊंगा सारे के सारे अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज रजिस्टर पे वोल्टेज इंडक्टर पे वोल्टेज कैपेसिटर पे वोल्टेज सब फेजर है सबको जोड़ना है सर्किट में तीनों है LCR इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर तीनों को जोड़ना है क्या जोड़ोगे
उनको फेजर की ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी है, उनको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। और ये देखो एनालॉगी बता रहा था मैं कि कैसे फेजर वेक्टर की तरह क्यों डील होते हैं, उसका रीजन बता रहा। फेजर्स को इनफैक्ट डिफाइन ही कई बार इस तरह से कर देते हैं कि फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर मतलब देखो डायरेक्शन मतलब 5 5 0 से लेके 90 180 270 360 जिधर ले जाओ रिजल्टेंट वैसे चेंज होता है। तो अब अगर ये दोनों चीजें लिख ली हो तो मैं तुमको कंक्लूजन लिखवा दूं और फिर तुमसे क्वेश्चन करवाऊं तो तुम समझ में आएगा कि तुम्हें फेजर एडिशन समझ में आएगी नहीं है। बोल दो ये नोट कर लिया इतना पूरा? यस सर। किसी का रह गया नोट करने से? विशाल? यस सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े तो लिखो सब लोग अपनी कॉपी में। लिखो 10 फॉर एडिंग फेजर्स फेजर may be treated as rotating vectors. Phasors may be treated as rotating vectors. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। दस फॉर एडिंग फेजर्स फेजर्स मे बी ट्रीटेड एज रोटेटिंग वेक्टर्स। Where amplitude of the phasor, amplitude of the phasor, bracket में लिखो A, amplitude of the phasor bracket में लिखो A is treated as magnitude of the vector, is treated as magnitude of the vector and phase difference between phasors, phase difference between phasors is taken as angle between the vectors, angle between the vectors. और फिर तो ये बात होगी कि वेक्टर्स को जोड़ना है तो वेक्टर एडिशन के लॉ फॉलो कर। अच्छा मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख लिया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a * cos φ। अगर मुझे रिजल्टेंट का एंगल चाहिए होता φ तो मैं क्या करता? अच्छा ये φ है तो मैं इसको अल्फा मान लेता। अल्फा तो मैं क्या करता बोलो? तो मैं क्या करता? तो देखो ये दिख रहा है a2 cos φ a2 sin φ, ये इतना है a2 cos। तो मैं अल्फा कैसे लिखता? तो मैं लिखता 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरा बेस। तो मैं लिखता अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स a2 sin φ अपॉन a1 प्लस a2 cos a2 sin φ अपॉन a1 प्लस a2 cos φ।
अल्फा गौरव अल्फा दिख रहा है लिख लिया अच्छे यस यस आगे बढ़े यस सर इसे रोटेटिंग वेक्टर क्यों बोलते हैं बता मेरे पास एक ए वन है और एक ए टू है दो वेक्टर और इनके बीच में फेज डिफरेंस फाइव अब रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है लेकिन अगर मैं फाइव की वैल्यू बदलू फाइव की वैल्यू बढ़ाओ तो ये ए टू भी तो ऐसे देखो चेंज होगा रोटेट होगा एम्पलीट्यूड नहीं बदल रहा सिर्फ फेज डिफरेंस बदल रहा हूं तो फेज डिफरेंस से एंगल बदलता है एम्पलीट्यूड वही है तो ये देखो ऐसे सर्किल में रोटेट कर रहा है तुम इमेजिन करो कि मेरे पास है ए ए एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर है फाई के एंगल पे और फाई बदल लू और ए ना बदलू ए ना बदलू तो इस तरीके से ये क्या इस तरीके से घूमेगा इसको हम रोटेशन ही तो बोलेंगे बेटा बोलो समझ में आया यस जिसने पूछा था उसको समझ में आया यस सर आ गया अच्छा चलो अब मैं फेजर एडिशन के तुमको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं तुमको एसी में कुछ नहीं पता तुम ये मत सोचना कि मैंने कहीं करंट लिख दिया तो तुमको एसी करंट की कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं तुम्हारे सामने बस मैथमेटिकल नंबर्स हैं तुम उनको अभी तक जो मैंने बताया सिर्फ उसके बेसिस पे प्योर मैथमेटिक्स के बेसिस पे करने की कोशिश करो क्वेश्चन क्वेश्चन वन पहले सिंपल सा थ्री साइन ओमेगा टी प्लस फोर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाय पहला क्वेश्चन क्या चाहिए क्या रिजल्टेंट चाहिए पूरा रिजल्टेंट पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तो वो पाइप पर वो आपने आर्गुमेंट में पाइप पाइप थ्री लिखा है हाँ पाइप पाइप थ्री लिखा है सिक्स डी थ्री साइन ओमेगा टी प्लस थ्री साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री प्लस थ्री साइन ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री इस बार देखो तीन फेजर जोड़ने और दिमाग में रखना है एक फेजर दो फेजर तीन फेजर दस फेजर कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको सिंपली वेक्टर की तरह ऐड करना जैसे क्लास इलेवेंथ में करते करके बताओ फिर मैं तुम लोगों को एसी के भी एक दो वोल्टेज वोल्टेज के क्वेश्चन दे हो गया बेटा क्वेश्चन
हाँ बोलो बेटा दोबारा बोलो सर रूट 37 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा पहले का आंसर बता रहे यस क्या बता रहे हो अंडर रूट 37 अच्छा चलो मुझे पता नहीं सही गलत मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ पर अंदर क्या बता रहे हो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 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 की वैल्यू कितनी tan इनवर्स 2 बाय tan इनवर्स 4 बाय प्लस 2 रूट 3 इतना बता दो सबने अटेम्प्ट कर लिया पहला क्वेश्चन कर लिया दूसरा अटेम्प्ट कर लिया दूसरा भी अटेम्प्ट कर लो तो फिर एक साथ दूसरा भी अटेम्प्ट कर लो फिर दोनों एक साथ कर लें जैसे हो जाए मुझे बताओ दूसरे क्वेश्चन में जहां पे 120 डिग्री है मतलब 2 पाई बाय 3 और 240 डिग्री है मतलब 4 पाई बाय 3 तो तुम उसको वेक्टर के फॉर्म में इमेजिन करना उसमें वेक्टर के फॉर्म में इमेजिन करोगे तो इजी हो जाएगा चलो अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया होगा दूसरे का कोई आंसर तो बताओ भाई क्या है तुम लोगों का आंसर एक सेकंड रुक जाइए सब कर लें ओके अनन्या सर अभी कर रहे हैं अच्छा चलो अब कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं लग जाना चाहिए था बड़ा आसान सा क्वेश्चन है तुम लोग शायद गलत तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे सर एम्पलीट्यूड आ गया था कितना एम्पलीट्यूड आ गया था सेकंड क्वेश्चन आ गया कितना 3√3 − 3 नहीं बेटा कुछ गलती की चलो सर एम्पलीट्यूड 3 आ रहा है कितना आ रहा सर 3 नहीं बेटा गलती की चलो देखो रूट 36 आ रहा चलो कोई नहीं अभी मैं कर देता हूँ फिर मिला लेना रूट 27 पहला क्वेश्चन 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5 आई मैंने वेक्टर बनाया ये देखो 3 को रेफरेंस लाइन पे रखा मैंने दूसरा वेक्टर बनाया 4 और 5 बाय 3 यानी कि 60 डिग्री पे रखा मैंने रिजल्टेंट दिखा दिया और ये दिखा दिया एंगल अल्फा सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर 16 2ab 2 * 3 * 4 cos थीटा यानी कि cos 60 cos 60 हाफ कट गया 3 4 12 12, 16 plus 9, 25. So 25 plus 12, 37. बोलो इतना कितने लोगों ने कर लिया था अंडर रूट 37?
एंगल अल्फा टेन इनवर्स ये देखो फोर कॉस 60 फोर साइन 60 फोर साइन 60 फोर रूट थ्री बाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा ए वन थ्री ए टू कॉस फोर कॉस 60 की वैल्यू हाफ अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये कर दिया टू रूट थ्री अपॉन ये टू आएगा और टू प्लस थ्री फाइव आ जाएगा तो टेन इनवर्स टू रूट थ्री बाई फाइव ये कितने लोगों ने कर लिया था यस सर ठीक अब बताओ समझ में आया कुछ अभी भी मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा थ्री साइन ओमेगा डी प्लस फोर साइन ओमेगा डी प्लस पाई बाय थ्री जुड़ने में कितना आएगा तो मैं लिखूंगा अब आंसर अंडर रूट 37 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वेयर अल्फा स्टैंड्स फॉर दिस टेन इनवर्स टू रूट थ्री बाय ये आंसर और ये फिगर बना हुआ है सामने समझने के लिए अब इतना बताओ कितने लोगों ने पूरा 100% सही कर लिया कर लिया था अंजनी ने कर लिया कर लिया था यस सर कर लिया अच्छा अंजनी ने कर लिया जैसे ये वाला हो गया था पूरा हो गया समझ में भी आ गया हटा दूं यस 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 सर अगला क्वेश्चन था थ्री साइन ओमेगा टी प्लस थ्री साइन ओमेगा टी प्लस 120 प्लस थ्री साइन ओमेगा टी प्लस 240 इसमें सबसे पहले मैं फिगर बनाऊं ये रही मेरी एक्सेस इसमें मैं सबसे पहले थ्री लिख रहा हूं ये रहा थ्री यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अच्छे संस्कार ऋषभ अगला 120 इधर अगला वाला भी थ्री पे अब दिक्कत ये हो रही कि तुम लोग फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश कर रहे होगे हैं तीन तो बेटा फॉर्मूले में फिट करना बाद में फॉर्मूला तो खाली दो के लिए ना A1 A2 के लिए और तुम्हारे पास जब तीन तीन होंगे तो फॉर्मूले की बजाय अगर तुम लॉजिक फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा है थ्री अगला थ्री 120 फिर उसके बाद एक और थ्री वो है ओरिजिनल से 240 ओरिजिनल से 240 180 प्लस 60 240 ये देखो ये 180 प्लस 60 ये आया 240 ये तीन है एक दो तीन बाकी तो एक्स वाई डिफरेंस है मैं छोड़ना बेटा अब तक हुआ हो ना हुआ हो एनी गेस अब आंसर कितना आना चाहिए फैन के ब्लेड की तरह तीन इधर तीन इधर तीन इधर सर आई थिंक जीरो वेरी गुड अब कुछ पल्ले पड़ रहा हूँ कैसे जोड़ते हैं दो से ज्यादा फेजर बंदो पड़ेगी चैप्टर जीरो बिल्कुल पड़ेगी रेजिस्टेंस पे इंडक्टर पे कैपेसिटर पे वोल्टेज फेजर होते हैं तीनों जोड़ने वीआर प्लस वीएल प्लस वीसी तो ऐसे थोड़े ना वीआर प्लस वीएल प्लस वीसी डीसी बैटरी की तरह वीआर वीएल वीसी 10 20 30 ऐसे जोड़ दिए ना ऐसे जोड़ोगे वेक्टर के ये देखो कितना आएगा इसका आंसर तो खुद ही देखो इन दोनों थ्री का जो रिजल्टेंट आएगा उधर आएगा इन दोनों का एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर आएगा ये देखो ये 60 ये 60 थ्री कॉस 60 थ्री कॉस 60 फॉर्मूले से किया था सर वैसे भी जीरो आ गया था हाँ उससे भी आ जाएगा लेकिन लंबा पड़ेगा बंदा लंबा पड़ा होगा तुम्हारे इससे हाँ सर हाँ और देखो एक विजुलाइज करने के लिए ना थोड़ा फील लाने के लिए फिगर बनाना थोड़ा सा जरूरी होता है
कई बार चीजें बड़ी इजी हो जाती है बनाने से। तो अब मैं तुमको नहीं पता, मैंने एसी अभी पढ़ाई नहीं, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो बाद में एसी में यूज हो, तुम देखो अभी उसको कैसे फटाफट से सॉल्व कर दो। एक एसी सर्किट तीनों रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, वोल्टेज कुछ दे रखा है यहां पे। अब एसी सर्किट कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है वो। वोल्टेज या करंट में से वोल्टेज ले लेते हैं, यहां पे वोल्टेज दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे वी नॉट की जगह वी वन कर दे, ये दे रखा है वी टू साइन ओमेगा टी, और ये दे रखा है प्लस पाई बाय टू, जो दे रखा भी हमें नहीं पता, यहां दे रखा है वी थ्री साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ऐसा कुछ फिगर दे रखे। क्यों आया अभी तुम्हें नहीं पता, ना तुम्हारा एक कंसर्न है, तुम्हारे सामने वो फेजर लिखी, तुम्हारा अभी सिर्फ इतना कंसर्न है कि फेजर है, तीनों को जोड़ना है, यहां से यहां तक नेट वोल्टेज निकाल, तो क्या सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दें, ये सही होगा कि फेजर सम करना पड़े? सर फेजर एडिशन, फेजर सम करना करके बताओ मुझे आंसर कितना है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब दे देगा सबसे जल्दी वो इस बार बढ़िया जो है जी मीन्स जी एडवांस में सबसे अच्छा करेगा। बाकी लोग भी बताओ, इसका आंसर तो कुछ बड़ा सा आ रहा है। चलो अब मैं कर लूं, चलो मैं करता हूं, देखो सबसे पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊंगा। चलो देखते हैं, v1 sin omega t, v1 को मैंने इधर दिखा दिया x एक्सिस पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, v2 को किधर दिखाऊं, ये साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन ओमेगा टी एक्स एक्सिस का रेफरेंस है, वेक्टर दिखा दिया, और मैंने बोला था कि ये जो फेज डिफरेंस है 90 प्लस 90 उसको वेक्टर के बीच का एंगल मान, तो तुमको इस वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पे वेक्टर दिखाना है। एंगल जब भी कभी फिजिक्स में प्लस होते हैं तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते, एंटी क्लॉकवाइज गए और यहां पे आ गए हम v2, एंटी क्लॉकवाइज गए और हम आ गए 90 डिग्री आगे v2,
बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। विशाल सर कोई दिक्कत? अब V3 की जब बारी आए तो V3 sin ओमेगा टी माइनस साइन फिर ओमेगा टी से 90 का फेज, लेकिन कुछ लीडिंग लैगिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये खाली सुन रहे थे उस समय, मैंने लीडिंग लैगिंग ऐसे थे ना मनोरंजन करने के लिए बताया था तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए, मैंने इसलिए बताया था कि जब जरूरत आए तो उसको लगाओ भी, तो वो लीडिंग था प्लस 90, अब माइनस 90 लैगिंग है यानी कि पीछे जाओगे भी। अगर ये स्टेप सही है तो आंसर सही है। ये स्टेप V3 का कितने लोगों ने सही किया? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या करें? V2 V3 अपोजिट वेक्टर है। अब डिपेंडिंग अपॉन V2 अगर V3 से बड़ा हुआ तो V2 माइनस V3 कर देना। V3 बड़ा हुआ तो V3 माइनस V2 कर देना। अब पता तो है नहीं मुझे कोई वैल्यू, तो मैं मान लेता कि V2 V3 से बड़ा है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा V1 और V2 V3 अपोजिट है, V3 छोटा मानना हूं तो मैंने इधर लिख दिया V माइनस, क्यों? क्योंकि V2 V3 अपोजिट है, दो वेक्टर जब अपोजिट हो तो A माइनस B होता है, V2 माइनस V3। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, यार क्या जरूरत है कोसाइन लॉ की? सिंपल पाइथागोरस लगा लो, एक्स वाई है ना 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट हमारा अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू माइनस वी थ्री का होल स्क्वायर। और अगर ये समझ गए तो एसी के चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। यही करना प्रथमेश, समझ में आया बेटा? प्रथमेश? यस सर। आया? यस सर। मुझे फेज डिफरेंस भी चाहिए क्योंकि मुझे तो इनको जोड़ के लिखना है, तो मैं इसको लिख लेता हूं वी रिजल्टेंट। अब फेज डिफरेंस चाहिए मुझे, उसको मान लेता हूं फाइव, ये रहा फाइव, ये रिजल्टेंट आ रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम करने के बाद ये रिजल्टेंट, और ये मान लो फाइव पे आए, फाइव पे आए, तो अब फाइव कैसे निकाले? V2 माइनस V3 अपॉन V1। हाँ बिल्कुल सही, ये अगर V2 माइनस V3 है और अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए तो मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन perpendicular V2 minus V3 base V1, तो मैं लिखूंगा tan phi is equal to V2 minus V3 upon V1, तो ये बन जाएगा phi is equal to tan inverse V2 minus V3 upon V1, phi is equal to tan inverse V2 minus V3 upon V1। तो ये एक्सप्रेशन आगे इतना ही बड़ा रहेगा, अभी जो एक्सप्रेशन हम निकालेंगे रिजल्ट में। क्या बोले बेटा? कुछ नहीं सर, एक्सप्रेशन बहुत बड़ा आ रहा था ना। अच्छा अब तो सिंपल आ रहा है, अब तो इन तीनों को जोड़ दो और लिख दो बी रिजल्ट है साइन ओमेगा टी प्लस, कहां बड़ा, बस इतना तो लिख रहा वो एक्सपेंड कर रहे थे वी रिजल्टेंट को, तो वी रिजल्टेंट ये लिख दो और फाइव ये लिखो tan inverse V2 minus V3 upon V1। हाँ वही वही है exactly, समझ गए? हाँ आप समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। चलो अब अगर ये समझ गए तो इसका मतलब है कि अब इस टाइप की कोशिश कर लो, ठीक, बाद में जरूरत पड़ेगी फेजर सम, ठीक। अब मुझे मुझे लग रहा है कि अभी फेजर अगर तुम यूज करना डील करना सीख गए हो तो मुझे एसी का चैप्टर थ्योरेटिकली स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ सर। हाँ तो हेडिंग डालो। यस सर। हाँ हेडिंग डालो अल्टरनेटिंग करंट, अब तक तो खाली एक
तुमको बिगनिंग का इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्यों दे रहा था शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीजें डील करनी है। जब तक क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन में हर में फंसोगे, क्या फायदा, मैं इसी पढ़ा दूं क्या होता है आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू, जब यूज करने की बारी आए तो हर क्वेश्चन फंसे। तो अल्टरनेटिंग करंट, यहां पे पहली लाइन लिखो, एनी करंट, विच एनी करंट विच periodically changes its sign, any current which periodically changes its sign, bracket में लिख लो alternates between plus and minus, alternates between plus and minus, ब्रैकेट क्लोज, एनी करंट विच पीरियोडिकली चेंजेस इट्स साइन, अल्टरनेट्स बिटवीन प्लस एंड माइनस, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, is called alternating current. इसका देखो मतलब, any current जो कि एक ही direction में ना चले, हमको तो आदत पड़ी है battery वाली current current electricity में तो पड़ी थी, cell battery वाली, उसकी एक ही direction, battery के positive terminal से नेगेटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डीसी डायरेक्ट, एक ही डायरेक्शन में चलती है। अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट वो होती है जो अल्टरनेट बिटवीन प्लस एंड माइनस, आधी साइकिल में प्लस तो आधी में माइनस, आधी में प्लस तो आधी में माइनस, आधी में प्लस तो माइनस, इस तरह अल्टरनेट। ये सारी एसी करंट है, ये सारी एसी करंट, ये भी एसी है, ये भी एसी है, ये भी एसी, इसी धोखे में मत रहना कि वो जो साइन वाली होती वही एसी होती ना, ये सब एसी करंट है, वो सबसे कॉमनली यूज एसी होता है, सब एसी, ये भी एसी, ये भी एसी, तो ये भी अल्टरनेट कर रही है बिटवीन प्लस एंड माइनस, तो एसी की डेफिनेशन वो नहीं कि जो साइनसॉइडल है वो एसी ना, एसी की डेफिनेशन वो है जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट कर, करंट तो एक स्केलर होती है, तो करंट में प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो करंट में प्लस और माइनस डायरेक्शन, अगर प्लस है तो क्लॉक, माइनस है तो एंटी क्लॉक, प्लस है तो एंटी क्लॉक, माइनस है तो क्लॉक, तो करंट में यहां पे प्लस माइनस उसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसी करंट जो अपनी बार बार डायरेक्शन उसको एसी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसी करंट के हमें सनक क्यों सवार हो गया, ऐसी करंट हमें चाहिए क्यों, भाई क्या बुराई थी बैटरी की करंट में जो सीधे एक ही डायरेक्शन में चले जाए, बताऊंगा। यहां से 150-200 साल पहले लड़ाई की वजह थी थॉमस अल्वा एडिशन और निकोलस टेस्ला के बीच। यस सर। थॉमस अल्वा एडिशन डीसी करंट के प्रोपोनेंट थे और निकोलस टेस्ला एसी करंट। बताऊंगा तभी से ट्रांसफार्मर, पावर लॉसेस, ये सारे वर्ड आए, सारी बातें बताऊंगा, बट अभी ये देखो ये सारी एसी करंट, इसको बोलते हैं साइनसॉइडली वेरिंग एसी, साइनसॉइडल। ये स्क्वायर वेव कहलाते, ये ट्रायंगुलर वेव, ये सॉटूथ वेव, सॉटूथ आरी जिसको बोलते हैं, आरी आरी की वेव ऐसे होती है, सॉटूथ
पहले तो ये सारी फिगर दिखा लो बेटा। चलो वहां पे यू लिखा है या एस लिखा है साइनसॉइड में? हाँ बेटा बोलो। यूएस लिख लिया। सर ये वोल्टेज वर्सेस टाइम के ग्राफ है या करंट वर्सेस टाइम के? दोनों। अगर वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा तो करंट बाय डिफॉल्ट करने लगेगी, और करंट तभी वेरी हो रही होगी इस तरह से जब वोल्टेज हो रहा हो। तो वोल्टेज और करंट के ग्राफ में फेज डिफरेंस हो सकता है, वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, बट नेचर एक ही रहता है। अगर वोल्टेज स्क्वायर है तो करंट भी स्क्वायर होगी, नेचर नहीं बदलेगी, वैल्यूज बदल लेगी, यूनिट बदल लेगी, हो सकता है आगे पीछे बन जाए, बट नेचर वैसे बने, वो भी हो सकता है, वोल्टेज भी करंट भी। बना लिया बेटा? सर ये फोर्थ वाला क्या लिखा है? फोर्थ वाला स्क्वायर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैंने पूरा नहीं लिखा था, साइनसॉइडल, सॉटूथ, सॉ स्पेल कर दीजिए। एस ए डब्ल्यू टी डबल ओ टी एच। यस चले आगे बढ़े, हटा दे। यस सर। हाँ सर। अब देखो मैंने तुमसे बोला कि ऐसी करंट की जरूरत ही क्या थी जो वेरी करे, क्या जरूरत आ गई? जब ये जरूरत समझ में आ जाएगी तो फिर मैं तुमको आगे चीजें बता दूं, बट जरूरत बताने से पहले एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कराना चाहता हूं कि अगर कोई करंट लगातार बदल ले मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या है? अभी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या? तो जब करंट लगातार बदलती रहती है, वोल्टेज लगातार बदलता रहता है, तो हम ऐसी करंट की एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंगल वैल्यू बताना चाहते हैं। भाई करंट तो लगातार बदलती है, स्क्वायर में भी ट्रायंगल में लगातार वैल्यू बदलेगी, तो कोई तो बताओगे कि हाँ करंट इतना है, वोल्टेज इतना है। ऐसी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। कितनी होती है, क्या होती है, सब बताता हूं, बट पहले लिख लो, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इन एसी सर्किट या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ एसी करंट। यस सर। क्लियर? यस। चलो अगर मान लो मेरे पास करंट या वोल्टेज दोनों के लिए कर सकते वेरिएबल लगातार बदल रहा है, टाइम का फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उसकी एवरेज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है एवरेज बताना। अभी एवरेज क्या है, तो मान लो मेरे पास करंट की दो या तीन वैल्यू होती है, जैसे मान लो होता मेरे पास एक सर्किट में आधी ड्यूरेशन के लिए 2 एम्पीयर है, आधी ड्यूरेशन के लिए 4 एम्पीयर, तो मैं बोलता एवरेज क्या है, तो मैं बोलता 2 प्लस 4 6 बाई 2 3 एम्पीयर है, जोड़ के डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तीन होते तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करता, 4 होता फोर होते तो मैं चारों को जोड़ के डिवाइड बाय फोर करता। अब मुझे ये बताओ ये फिगर दिख रहा है सबको? लगातार करंट वेरिएबल है,
अब मुझे यहाँ पे इस करंट की एवरेज चाहिए समवेयर इनके बीच में, यहाँ पे एवरेज आए कैसे निकालते। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि एवरेज करंट जो भी हो अल्टीमेटली टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम तो हुई गई। एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्यू बाई डी टी चार्ज कूलम पर सेकेंड है। चार्ज को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल आई डी टी, जिस इंटरवल में मुझे एवरेज करंट चाहिए मान लो जीरो से टी चाहिए उस इंटरवल में ले लू, जिस इंटरवल में मुझे एवरेज करंट चाहिए उस इंटरवल में ले लू अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को लिख सकता हूं इंटीग्रल dt, जिस इंटरवल में एवरेज चाहिए वो इंटरवल लिख लू। तो बन गया एवरेज करंट का फॉर्मूला, करंट कॉन्स्टेंट हो वेरिएबल हो एनी केस तुमको हमेशा एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल dt। लिख लो बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं लाइन से, दो तीन क्वेश्चन करता हूं डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम बाकी रह जाएगा। मान लो करंट दे रखी है 2+3t, एक वो साइनोसॉइडल करंट नहीं, मे बी ये एसी भी ना है, एसी भी नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है बताओ उसकी एवरेज करंट क्या है जीरो से वन सेकेंड के बीच में। कैसे करोगे? फॉर्मूले में फिट कर दो इंटीग्रल आई डी टी 2+3t dt कितने से कितने? जीरो से वन, क्योंकि जीरो से वन है कुछ ही थी। इंटीग्रल डीटी कितना इंटरवल है? तो एक सेकंड का इंटरवल, तो मैंने सीधे सीधे इंडिकेट क्या करना, सीधे सीधे वन लिखते जीरो से वन पे एक सेकंड का इंटरवल। 2+3t dt का इंटीग्रेशन तो 2dt तो बन जाएगा 2t, 3t बन जाएगा 3t2/2, लिमिट जीरो से वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन रखोगे तो ये आएगा 2+3/2, जीरो रखोगे तो पूरा जीरो, तो आ गया 7/2। बोलो यस आ गया सबका? हाँ सर यस सर। इसी नहीं मैं पूरी बोल रहा हूँ, इसी नहीं है बट मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका समझने के। अब ये आ गया तो इसी तरीके को तरीका समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कोई भी फिर उसी से सिलेक्ट करेगा। क्या करो इसी तरीके को यूज करो, कहां यूज करो तो देखो इसको यूज करो, एक करंट दे रखी है इस तरह 5 एम्पियर माइनस 5, ये इसका एक टाइम पीरियड है, एक साइकिल, इसके बाद पैटर्न रिपीट। एवरेज करंट चाहिए एक साइकिल में और एक बार चाहिए हाफ साइकिल में। एक बार फुल साइकिल में और एक बार हाफ साइकिल में। बोलो करें? फुल साइकिल में जीरो है। बिल्कुल सही, फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या करोगे? कोई नहीं, मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। क्या तुमको पता है इंटीग्रल आई डी टी करंट का टाइम के साथ ग्राफ, इंटीग्रल आई डी टी ग्राफ में या ग्राफ में एरिया, एरिया फुल साइकिल में एरिया जितना प्लस
उतना माइनस माइनस। तो फुल साइकिल में जब इंटीग्रल आई डी टी ही जीरो आ गया, एरिया ही जीरो आ गया, तो एवरेज वैल्यू भी जीरो आ गई। हाफ साइकिल में लेकिन ऐसा नहीं होगा, हाफ साइकिल ये है जीरो से डिवाइड, हाफ साइकिल जीरो से डिवाइड। अब क्या करोगे, इंटीग्रल आई डी टी हाफ साइकिल में लगातार करंट फाइव, तो फाइव डी टी जीरो से डिवाइड और आधी साइकिल का इंटरवल भी डिवाइड। बोलो सूर्यांश। अब फाइव कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल डी टी टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे तो क्या टी बाई टू फाइव, अपर लिमिट टी बाई टू लोअर लिमिट जीरो, टी बाई टू से टी बाई टू कट गया। तो बताओ इस हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव फाइव फाइव। अब ये समझ में आ गया, बोलो तो आगे बढ़ो। हाँ सर आ गया। ठीक, आई थिंक क्लास का टाइम हो रहा है, तो अब बुक में ढूंढ ढूंढ के एवरेज करंट की और कराऊंगा मैं, अभी मैंने साइनसोइडल नहीं करा है। टाइम मिलेगा अगली क्लास में तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं मुझे याद दिला देना ठीक है। एवरेज करंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो खुद ही बोल रहा हूँ अभी और कराऊंगा, एवरेज कराऊंगा, आरएमएस कराऊंगा ठीक है, और भी एम्पलीट्यूड कराऊंगा, पीक वैल्यू कराऊंगा, फिर एसी में ट्रांसफार्मर बताऊंगा। ट्रांसफार्मर हो गया तो तुम लोगों का एमआई में? तो अभी कराऊंगा ट्रांसफार्मर कराऊंगा, ये सारी चीजें, एसी जनरेटर कराऊंगा, एसी के फिर सर्किट्स कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा डिटेल में। तो बड़े आज तो समझ में आओगे थोड़ा बहुत। यस सर, अच्छे से आया। बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर।